क्योंकि मजदूर था मैं, गयूर लोग थे, मांगते नहीं थे, इसलिए मैं उन्हीं बड़े बालों के साथ अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया। आपने बाल देख के फरमाया, जुनैद जा बाल तो कटवा। फरमाते मुझे इतना यकीन था, मेरे मुर्शिद ने फरमा दिया बाल कटवाने का कोई ना कोई सबब बनेगा ज़रूर। अब फरमाते एक की नाई था हमारे मोहल्ले में, पिंड में, इलाके में, मैं चला गया उसके पास। मैं उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया, वो किसी के बाल काट रहा था। मैंने कहा चलो मेरी तरफ देखता है तो बात करता हूँ। अब फरमाते हैं वो बाल काटते काटते मुझ पर नज़र पड़ी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम। अब फरमाते मैंने कहा यार तेरी दुकान है और ज़ाहिर है तू दुकान से घर चलाता है और पैसे लेता है बाल काटने के, नहीं लेगा तो घर कैसे चलाएगा। तो भाई मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, तो क्या आज इस तरह नहीं हो सकता कि तू मेरे बाल अल्लाह के लिए काट दे। फरमाते अल्लाह, सुनना था कि नीचे आया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले गया। जैसे हम करते हैं ऐसे नहीं किया कि भाई हूँ तेरे अल्लाह लिए कटने ने, तो तू बह वेला होगा तो कटांगा, या जो पैसे यहाँ लेने पहले यहाँ दे कटोने। पर मैं नहीं, जो इंतज़ार में बैठे थे उनको तो छोड़ो, जिसके काट रहा था उसके भी मुकम्मल नहीं काटे, कुर्सी से उठाया और मुझे बिठाया और मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू किए। बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा है। पुत्र जब बंदा अल्लाह के लिए करता है उसका मज़ा ही वखरा है, वदा मज़ा ही वखरा है। ये दिखावे के लिए क्या करना, जब बंदा अल्लाह के लिए करता है उसका मज़ा ही वखरा है। रोता रहा, बाल काटता रहा। फरमाते मैं अब नीचे बैठा ख्याल कर रहा था भाई ऊन तो कख नहीं, कभी अल्लाह ने पैसे दिए माल दिया बाल काटने का बदला दूंगा ज़रूर इसको। फरमाते फिर वो ज़माना आया फ़कीरी में अमीरी, अबू बकर वास्ती, शिबली, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए, बल्कि खलीफा शहर मुरीद हो गए। फरमाते अल्लाह ने फ़कीरी में अमीरी दी। मैं एक दिन बैठा था, याद आ गया, मैंने एक थैली मंगाई, उसमें मैंने कुछ पैसे डाले, लेके उसकी दुकान पर चला गया, बूढ़ा हो चुका था। फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम। फरमाते मैंने कहा पहचाना, उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। फरमाते हैं मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे, उसने कहा याद। फरमाते मैंने वो थैली उसकी जानिब की, उसने सिखाया इखलास। वो कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, लेकिन आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ। फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहने लगा जुनैद याद रखना, जो काम अल्लाह के लिए करो फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं, जो काम अल्लाह के लिए करो फिर लोगों से उसका बदला लेते। हम आज तक लोगों से नहीं निकल सके, हम आज तक लोगों से निकल सके। हजरत इमाम जाफर सादिक कर दिया तो सोच सकता पुत्र उसे कुछ दिखावा होगा, लेकिन कितना तकवा था। देखा इमाम साहब ने ना को बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा था और हजरत सुफियाने सौरी आ गए मिलने के लिए, प्यार था जी उनमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल। तो हजरत सुफियाने सौरी जुब्बा देख के अर्ज करते हैं हुजूर ये खानदान नबूवत का लिबास नहीं, नाना जान सादगी, हजरत मौला अली पाक सादगी, इमाम हुसैन सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, इमाम मोहम्मद बाकिर सादगी, ये खानदान नबूवत का लिखा है। आपने बटन खोल दिए जुब्बे के, जब आपने बटन खोले ना तो लिखा है कि नीचे आपने बोरी का खुरदरा लिबास जो सूफियों का लिबास रहा है आपने वो पहन रखा था। फरमाने लगे सुफियान ये जुब्बा लोकां लई पाया है तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार लई बनी है तां थले बनी है। के लिए पुत्र और पुत्र पकाओ अल्लाह ऐथे और ऐथे पुत्र असी ते मेरे ख्याल ने ऐथे भी साम जाइए तो बड़ी गल ऐथे वाली तो गल, लेकिन पुत्र याद रखना ऐसे ऐसे हो गुजरी हैं इस उम्मत में। आज वो चला हुआ है ना बाबे दे जाए कोई नहीं, मैं मौज तड़ की कह सकते हैं, लेकिन सोने के बाबा कड़ी सोनी गल करता है। बाबा की कहंदा रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, एडे सोहने बाबे सानू यार किस तरह अपने अल्लाह नाल प्यार सी हुण, रब्बा मेरे हाल दा महरम
अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। कहे फकीर हुसैन निमाणा, मेरा सब कुछ तू है। कितना प्यार सी उन्होंने अल्लाह और अल्लाह। मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आजम पाकिस्तान कुर्बान, पुत्र एवं नहीं संग मैं पाका नाल प्यार, किसी वजह नाल प्यार। मैं उस दिन, मुझे नाम नहीं याद रहा उनका, वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं मैं पास बैठा ना, हजरत कुछ कोई इबारत लिखवा रहे थे हजरत, तो इबारत लिखवाते लिखवाते ना वो दज्जाल गुलाम अहमद कादियानी का नाम आ गया। लिखवा रहे थे मुझे इबारत, उस दज्जाल गुलाम अहमद कादियानी का नाम आ गया। कहते हैं अब आगे जाके महबूबे पाक का नाम, तो कहते हैं जब आपकी जुबान से वो नाम लिखवा रहे थे इबारत मुझे, तो और कहते हैं खुद उन्होंने जब वो नाम लिया ना तो कुली कर ली, नाम लिखा रहे तो कुली कर लिया, तो कहते हैं वो इबारत लिखवा रहे थे, आगे नबी पाक अलैहि सलाम का नाम पाक आ गए। तो कहते हैं जब मैं लिखने लगा ना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखना, कहते हैं जब हजरत पे पहुंचा ना तो मेरा कलम पकड़ ली और फरमाने लगे जिस कलम से उस गुस्ताख मलऊन कज़्ज़ाब दज्जाल का नाम लिखा है उस कलम से मेरे महबूब का नाम ना लिखा। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, और शैखुल कुरान उस्ताजुल उलमा आशिक़े रसूल आलमे बामल कुर्बान जाइए जी, किड़े किड़े सोने लोग साढ़े को जुदा हो गए और हो रहे ने। पुत्र करनी मर्जी तुझी अपनी, मनोगे तो चंगे रहोगे। मेरे साहब दे कोल को आया तो आके कहते साहब ओ नहीं लभदे, थोड़े किताबा च ना ओ नहीं लभदे। फरमान लगे इन्हों की कदर कर लै, अन करीब है भी नहीं लभ, अन करीब है भी नहीं। पुत्र जे को कमी कोताही है, तुसी मेरी कमी कोताही का जवाब नहीं देना, मैं आपे देना, लेकिन जड़ियाँ क्वालिटियां ते खूबियां ने वो सीखो पुत्र, इन्हां नाल प्यार करो, कुरान सीखो। मैं बात लंबी हो जाएगी मैंने, क्योंकि आगे लाहौर पहुँचना है, उत्थे भी कोई डीकदा पे बह के सानू, नहीं तो पुत्र मैं अभी हो क्या कहते हैं कि दुध दुध ते पानी दा पानी कर छड़ा। प्यार करो पुत्र, जो दौलत इनके पास है ना बात उसी दौलत से बननी, इतने भी अल्लाह का नाम उतर दुरदियाँ फिरदियाँ अल्लाह अल्लाह दुरदियाँ फिरदियाँ या रसूल अल्लाह ही उन्जुर हादा ना लगे रहा। इश्क लैर कत दी रो हर दम, इश्क लैर कत दी रो हर दम, होर कड़ी तन मंजूर हो लगा रहे लगा अल्लाह अल्लाह। पकाओ पुत्र ऐसे फिर दू इत्थे पक जाए, फिर कोई पाक लभो और जाके अर्ज करो हजूर इत्थे पका लिया, हूँ यह दसो ए ना इत्थों इत्थे किवें आएगा। लभो पुत्र है खूब पुत्र अल्लाह दा जिक्र है, बह के वजू करके सोने सोने तरीके अल्लाह करो हाँ नाल जरा तुसी अल्लाह है मजा ते ना आया। थक गए हो तुसी है जी, थक गए हो पुत्र अल्लाह का नाम लैना, तुम तो एन डरन डे हो जिमें को नमरूद खलोता है नाल तलवार ला के अल्लाह का नाम लैना सोना करके पुत्र, साबे उर्स भी खुश होंगे, मौलाना सरदार अहमद साहब भी खुश होंगे। अल्लाह का जिक्र होया मेरे मुरीद मेरे मेरे शागिर्द उर्स उत्ते, नबी अलैहि सलाम खुश होंगे। सोना दलेरी के नाल पुत्र अल्लाह का नाम लैना अल्लाह 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 नहीं मजा नहीं अल्लाह 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 उन मेरे नाल ही अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ ادھر کنجوسی تو کام نہ لو اللہ دا نام ہے ایسے تو کسی نے اختلاف نہیں نہ ہے چلو باقی تو ہے ایسے تو نہیں اختلاف کسی نے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ.